तो ये रहा कोकन हॉफ का एंट्रेंस और ये हमारे सराउंडिंग। ये से डर सो एंट्रेंस करते हैं। यप, दिस वी हैव फोर पीपल एंड द लिटिल वन इनसाइड। थैंक यू। आगे भैया एंट्रेंस में, चलो चलो स्ट्रेट अप भाई, दुनिया रखी यहाँ तो। वैसे अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हम इतने शौकीन नहीं है ऐसी इस तरह की ब्यूटी नहीं हारने के कि हम फ्लावर फील्ड देखें बोले वाह क्या बात। और वेड़ी जहाँ भी जाता है वेड़ी के दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ते। बकरियाँ, भेड़े, चिकन, कबूतर। तो फ्लावर फील्ड्स में आए कि जू में आए बेटू? आप तो फिर से जू में आ गए छोटे मोटे। चलो आ जाओ, गो अप। 1 2 3 गो। कुछ फूल यहाँ पे ऐसे हैं जो ऐसे लग रहा है कि सिंथेटिक वाले जो होते हैं ना, नकली प्लास्टिक वाले, वो हैं, लेकिन सब रियल हैं। ये देखो, प्रॉपर प्लास्टिक लग रहा है ये, लेकिन सब रियल है। हाँ, एक विंड मिल भी चल रही है। ये रही, थैंक यू, बाय बाय, कम बेटा। ओ भाई साहब, विंड मिल के ऊपर पहुंच के वेदांतर में सूची और विधि नीचे है बिकॉज प्राइम आने सकती थी।
परफेक्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो नीदरलैंड्स में फ्राइज, तो हम इसको बेल्जियन फ्राइज भी नहीं बोल सकते, फ्रिट्स, नॉर्मल फ्रिट्स आ गए। विच वन यू वांट टू टेक? हाँ बैठो सारे, और क्या। विधि आप भी खिलाओ भैया को, विधु भैया को दो, भैया को दो। Did you enjoy that? चलो वापस। ये बा। Did you enjoy that? Yeah. It was good. Yeah. तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, ये तीन महीने में लोग 7 million फ्लावर जो है वो प्लांट करते हैं, और फिर ये इस तरह से फ्लावर गार्डन रहता है, और ये खुलता भी 3-4 महीने के लिए है, सिर्फ मई तक, मई में ये बंद हो जाएगा। तो उस हिसाब से पता लग रहा है कि सिर्फ लोकल पब्लिक नहीं, यहाँ पे लोग बाहर से बहुत आए हुए हैं। लेकिन अगर मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, मुझे लगता है कि जो फ्लावर एंथुसियास्ट है बहुत ज़्यादा, जिसको बड़ा इंटरेस्ट इन चीज़ों में, उसको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे को वॉक करने में मज़ा आया, फ्लावर देखने में मज़ा आया, लेकिन अब फ्लावर को फ्लावर की तरह ही देख रहे हैं नॉर्मल लोग जो हैं, वो नाम पढ़ रहे हैं, वो क्या उसकी खासियत है ना, उस तरह से देख रहे हैं। तो बच्चों के साथ फ्लावर के नाम पढ़ना और उसको समझना तो दूर, देख लें वही बहुत होता है। तो लेकिन ये कि हाँ मज़ा आया, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। लकीली क्या था कि मौसम भी अच्छा हो गया एक्चुअली, और धूप भी निकल आई थी, बारिश वारिश भी नहीं हुई, बढ़िया रहा सा। हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया पूरा, तो अब हम निकलेंगे यहाँ से और घर पहुँचते हैं, वहाँ आराम करते हैं थोड़ा सा, क्यों। हाँ, राइट। चलो डन, एग्जिट मार के आ गए अपन, अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और इसका मूड भरा नहीं है अभी। हाँ विद्या रोमा बेचारे, चलो 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 चलो, फिनिश हो गया बाबा। चलो जी, तो वापसी की फुल तैयारी, ऑल सेट गाड़ी में, बड़े पैसेंजर छोटे पैसेंजर, अभी ऑल गुड। हाँ हाँ, दैट्स फॉर यू पेंसिल्स। चलो ऑल सेट बाबा, चलें फिर, कोई जवाब नहीं, चलते हैं, चलो।